यूपीए को इस बार लगभग 2 गुनी सीटें मिलने का अनुमान। क्या बदल जाएगी देश की राजनीतिक तस्वीर? देखें सर्वे के नतीजे। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने का ही समय बचा है। बीजेपी नीत गठबंधन को टक्कर देने के लिए अब इंडिया गठबंधन भी बन चुका है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव दो बड़े गठबंधन के बीच होने वाले चुनावी जंग को देखने के लिए जनता भी उत्साहित है। पिछले 6 महीने में 2 ऐसे सर्वे हुए, ऐसे में आंकड़े तकरीबन एक समान है। दोनों में कांग्रेस की यूपीए अलायंस को पिछले चुनाव से लगभग 2 गुनी सीटें मिलने का अनुमान है। अब इससे देश की राजनीतिक तस्वीर में कितना बदलाव आएगा, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। आइए जानते हैं दोनों सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। बता दें कि दोनों सर्वे के मुताबिक बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में स्वीप कर सकती है, जबकि कांग्रेस बहुमत के आंकड़ों से काफी पीछे दिख रही है। हालांकि दूसरे सबसे बड़े दल के साथ कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। एक मीडिया हाउस के सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन को लगातार 3री बार भी लोकसभा में बहुमत मिलने का अनुमान है। एनडीए को 285 से 325 सीटों पर जीत मिलते दिखाया गया है। 2019 चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली थी। सर्वे में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन के सीटों में इजाफा होने की उम्मीद है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को 111 से 139 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो यूपीए को 91 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस अकेले 52 सीटों पर सिमट गई थी। जो दूसरा सर्वे हुआ था उसके मुताबिक भी देश में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। सर्वे में एनडीए गठबंधन को 300 से कम 298 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 153 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान सामने आया था। वहीं अन्य दलों को 52 सीट रहने का अनुमान था। इन दोनों आंकड़ों के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के यूपीए गठबंधन की सीटों में लगभग 2 गुना का फायदा होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।